जय कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो इसका फ्रंट का साइज है वह है 20 और इसकी यहाँ पर गहराई 40, मतलब 800 स्क्वायर फीट पर इस घर की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। मेरे चैनल पर 20x40 की ऑलरेडी वीडियो डली है, आप देखना, वो प्लानिंग सारी प्लानिंग हटके है और यहाँ प्लानिंग भी थोड़ी सी हटके है। इस पर जीने की प्लानिंग जो की गई है वो साइड से की गई है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। और दो बेडरूम, एक हॉल और एक किचन की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। फोर व्हीलर पार्किंग की यहाँ पर प्लानिंग की गई है, मतलब अधिकतर अपन देखते हैं कि फोर व्हीलर की प्लानिंग जो की जाती है वहाँ पर से ही जीने की प्लानिंग यहाँ से की जाती है, लेकिन इस पर जीने की जो प्लानिंग है वो साइड से की गई है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो दिखाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 20x40 800 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की बनती प्लानिंग के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट है यहाँ पर है 20 और इसकी यहाँ पर गहराई 40, मतलब 800 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। और फ्रंट का एलिवेशन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर बनाया जा रहा है, प्लास्टर का अभी फ्रंट पर होना बाकी है। तो अभी धीरे धीरे करके इसका रूप यहाँ पर बन रहा है फ्रंट एलिवेशन का, और सिंगल मंजिल की यहाँ पर प्लानिंग है और पूर्व दिशा पर इस घर को बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो जुड़े की गई है 4 इंची की यहाँ पर से बाहर लेते हुए इसको जुड़े की गई है। यहाँ पर जो भी डिज़ाइन डलेगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जीने की प्लानिंग यहाँ की गई है, यहाँ से भी जीने की प्लानिंग की गई है। तो यहाँ पर आयरन की या कांच की यहाँ पर विंडो लगाई जाएगी फ्रंट पर, और यहीं पर आप देखेंगे तो प्लेन से लेकर यहाँ पर जो रोड की हाइट है 1 फीट की हाइट को यहाँ पर लिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर फुल पास दिए गए हैं जो कि मेन गेट यहाँ पर लगाया जाएगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ी की पार्किंग की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। यहाँ पर पार्किंग एरिया 14x20 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग, तो आपकी फोर व्हीलर गाड़ी आप आसानी से आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। और इसके जस्ट साइड से यहीं से आप देखेंगे तो जीने की प्लानिंग यहाँ पर की गई है, मतलब पार्किंग एरिया से बाहर पर, और यहीं पर आप सामान रखने की भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। और एक विंडो आप देखेंगे तो यहाँ पर दी गई है ताकि हॉल पर और पार्किंग पे से आपको दो गेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पहला हॉल पर जाने के लिए और दूसरा किचन पर जाने के लिए। और विंडो यहाँ पर दी गई है किचन के जस्ट साइड पर, तो यहाँ पर प्लानिंग आप देख सकते हैं थोड़ी हटके हैगी। आप और भी वीडियो देख सकते हैं मेरी 20x40 की। और जैसे आप यहाँ पर से आएंगे तो आपको एक हॉल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा 10x17, इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हॉल की प्लानिंग की गई है, और हॉल में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पानी का बोर यहाँ पर लगाया गया है, और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया है ताकि उजाला आपके हॉल बेडरूम पर रह सके। हॉल पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक विंडो दी गई है जो उजाला हवा आपके हॉल पर आ सके। यहाँ पर हॉल, और हॉल के जस्ट साइड पर आपको यहाँ पर किचन बनता हुआ दिखेगा 9x5, इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, अभी प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दो पार्किंग पे से गेट दिखाए थे, एक हॉल पर आने के लिए और एक किचन पर आने के लिए, तो यहाँ पर किचन और एक विंडो। और जैसे आप यहाँ पर से आएंगे तो आपको एक कॉमन लेट बाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और एक बेडरूम यहाँ पर देखने को मिलेगा 9.5x9 इस बेडरूम के साइज को बनाया जा रहा है। और अभी प्लास्टर काम यहाँ पर चल रहा है, तो देख सकते हैं स्लिप यहाँ पर भी दी गई है। एक बेडरूम यहाँ पर बनाया गया है और एक कॉमन लेट बाथ यहाँ पर बनाई गई है। तो एक बेडरूम और हॉल की जस्ट साइड पर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बेडरूम यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दूसरा बेडरूम यहाँ पर बनाया गया है, और इस बेडरूम से अटैच लेट बाथ को बनाया गया है 10x11 इसके साइज को दिया गया है। अभी थोड़ा मौसम ख़राब है, यहाँ पर दिन भर की बारिश हुई थी तो थोड़ी आप देख सकते हैं धूप कम निकली है, तो ज़रा आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक इस बेडरूम से अटैच लेट बाथ को यहाँ पर बनाया जा रहा है, और प्लास्टर काम अभी यहाँ पर चल रहा है। तो जब प्लास्टर होता है तो अधिकतर यहाँ पर रोशनी कम रहती है, जब पुट्टी वगैरह होती है तो घर पे थोड़ा सा उजाला बढ़ जाता है।
तो एक बेडरूम यहाँ पर हो गया आपका, एक बेडरूम वहाँ पर हो गया, एक किचन हो गया, एक हॉल हो गया, एक पार्किंग एरिया हो गया और जीना बाहर के बाहर प्लानिंग हो गई। और यहाँ उसको प्लेन से लेकर छत की हाइट लगभग 10.5 फीट की यहाँ पर हाइट को दिया गया है। और प्लास्टर होने के बाद यहाँ पर टाइल्स का काम किया जाएगा, कलर पुट्टी काम किया जाएगा, वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।